हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम यूजीसी नेट जून 2020 के बचे हुए क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम जून 2020 के क्वेश्चन नंबर 61 से क्वेश्चन नंबर 70 तक देखने वाले हैं। इन क्वेश्चंस की थीम है आइडेंटिफिकेशन प्रॉब्लम, इंफ्रास्ट्रक्चर, ISLM कर्व, डिसइन्वेस्टमेंट, इन्फीरियर गुड, इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट, कोरिलेशन, इंडियन इकोनॉमी, मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, साइमल्टेनियस इक्वेशन। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61। बेस्ड ऑन द ऑर्डर कंडीशन स्टेट वेदर द फर्स्ट इक्वेशन इज आइडेंटिफाइड गिवन द फॉलोइंग स्ट्रक्चरल मॉडल। तो हमें आइडेंटिफिकेशन पता करना है, तो पहले हम आइडेंटिफिकेशन प्रॉब्लम समझते हैं। तो आइडेंटिफिकेशन प्रॉब्लम में हम पता करते हैं कि जो हमारी साइमल्टेनियस इक्वेशंस हैं उनके जो एस्टिमेट्स हैं वो यूनिक हैं कि नहीं। तो अगर वो एस्टिमेट्स यूनिक होते हैं तो उनको हम एग्जैक्टली या फिर फुल्ली आइडेंटिफाइड कहते हैं। और अगर किसी भी इक्वेशन के जो एस्टिमेट्स हैं उनमें एक या एक से ज़्यादा रिग्रेसेंट की मोर देन वन वैल्यू आ रही है तो उसको ओवर आइडेंटिफाइड इक्वेशन कहा जाता है। और अगर किसी इक्वेशन में जो एस्टिमेट्स हैं उनकी वैल्यू हम ऑप्टेन नहीं कर सकते तो उनको अन आइडेंटिफाइड या फिर अंडर आइडेंटिफाइड कहा जाता है। अब कंडीशन क्या है आइडेंटिफिकेशन की? तो इसके लिए दो कंडीशंस होती हैं, ऑर्डर कंडीशन एंड रैंक कंडीशन। ऑर्डर कंडीशन नेसेसरी कंडीशन होती है जबकि रैंक कंडीशन सफिशिएंट कंडीशन होती है। तो ऑर्डर कंडीशन में हम चेक करते हैं कि जो नंबर ऑफ मिसिंग वेरिएबल्स हैं उस इक्वेशन में अगर वो बराबर है एंडोजिनस वेरिएबल्स के -1 के तो उस इक्वेशन को हम आइडेंटिफाइड इक्वेशन कहते हैं। और अगर नंबर ऑफ वेरिएबल्स उस इक्वेशन में कम है एंडोजिनस वेरिएबल -1 से तो उसको हम अंडर आइडेंटिफाइड इक्वेशन कहेंगे, और अगर ये ज़्यादा है तो उसको ओवर आइडेंटिफाइड इक्वेशन कहेंगे। तो हमारी जो क्वेश्चन में इक्वेशन गिवन थी वो ये तीन इक्वेशन थे। तो सबसे पहले हमने नोट डाउन किया कि इन तीन इक्वेशंस में टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं, तो वो है y1, y2, y3, x1, x2 एंड x3। अब y1, y2, y3 ये एंडोजिनस वेरिएबल हैं तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं जी से। तो जी की वैल्यू इस साइमल्टेनियस इक्वेशन मॉडल में होगी 3। तो हमें चेक करना है कि हमारी जो फर्स्ट इक्वेशन है ये एग्जैक्टली आइडेंटिफाइड है, ओवर आइडेंटिफाइड है या फिर अंडर आइडेंटिफाइड है। तो इक्वेशन 1 में हमारे पास y1 वेरिएबल है, y2 वेरिएबल है, लेकिन y3 वेरिएबल नहीं है तो यहाँ पर हम 0 लिख देते हैं। और x1 और x2 वेरिएबल है लेकिन x3 वेरिएबल नहीं है तो यहाँ पर भी हम 0 लिख सकते हैं। तो m की वैल्यू इक्वेशन 1 के केस में हो गई 2, तो m इक्वल टू 2। और g की वैल्यू 3 थी तो g -1 ये भी हो गया 2 के बराबर। तो हमने देखा कि इक्वेशन 1 के लिए हमारा जो m है वो बराबर है g -1 के, इसलिए जो इक्वेशन 1 है वो एग्जैक्टली आइडेंटिफाइड है, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्रोथ इन इंफ्रास्ट्रक्चर इज कंसिडर्ड एज एन असेंशियल प्रीरिक्विजिट फॉर स्टेपिंग अप ऑफ GDP ग्रोथ। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। इट इज़ विटली इम्पोर्टेंट टू इंक्रीज कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया, ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ISLM कर्व एनालिसिस। तो IS कर्व जो है ये इक्विलिब्रियम को बताता है प्रोडक्ट मार्केट में, जबकि LM कर्व इक्विलिब्रियम को बताता है मनी मार्केट में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, A and B। तो LM कर्व जो होता है ये मनी मार्केट का इक्विलिब्रियम बताता है, जो रिलेशनशिप है आउटपुट और इंटरेस्ट रेट में, और LM कर्व अपवर्ड स्लोपिंग होता है। इसी तरीके से IS कर्व गुड मार्केट में रिलेशनशिप बताता है इंटरेस्ट रेट और आउटपुट में, और IS कर्व हमारा डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु सेड आई बिलीव दैट द ऑब्जेक्टिव फॉर डिस इन्वेस्टमेंट शुड बी टू बेनिफिट द पब्लिक, द कंज्यूमर एंड द इन्वेस्टर एंड एट द सेम टाइम टू इम्प्रूव कॉम्पिटिटिवनेस एंड एलिमिनेट मोनोपोली। तो इसका सही आंसर है जॉर्ज फर्नांडिस। तो जॉर्ज फर्नांडिस हमारे 22nd डिफेंस मिनिस्टर थे, जिन्होंने लेटर लिखा था उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर को जो कि थे अटल बिहारी वाजपेयी। तो इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा जॉर्ज फर्नांडिस। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉर गिवन इनकम कंजम्पशन कर्व इन द डायग्राम विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट बियॉन्ड पॉइंट ए। तो हम देख सकते हैं कि ए पॉइंट के बाद जैसे भी इनकम बढ़ रही है वैसे जो गुड वाई है उसकी क्वांटिटी कम कंज्यूम की जा रही है उस पर्सन के द्वारा जिसका भी ये इनकम कंजम्पशन कर्व है,
और गुड एक्स की वैल्यू ज़्यादा की जा रही है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि ऐसे गुड्स जिनका कंजम्पशन इनकम के बढ़ने पे घटता है उसको हम इन्फीरियर गुड कहते हैं, तो जो वाई होगा वो इन्फीरियर गुड होगा, और क्योंकि एक्स का कंजम्पशन बढ़ रहा है इनकम के बढ़ने के साथ तो एक्स नॉर्मल गुड होगा, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन रिप्रेजेंट्स एन इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट इन नेशनल इनकम कैलकुलेशन? बाइंग इन न्यूली कंस्ट्रक्टेड हाउस फॉर सेल्फ कंजम्पशन, बाइंग ऑफ न्यू शेयर्स, बाइंग इन न्यू कार बाय पब्लिशिंग हाउस फॉर डिलीवरिंग बुक्स, बाइंग इन न्यू कार बाय हाउस होल्ड। तो नेशनल इनकम कैलकुलेशन में जो इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट है उसका मतलब होता है क्रिएशन ऑफ कैपिटल गुड, तो जहाँ पर भी कैपिटल गुड होगा वो रेफर किया जाएगा इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट से। तो जब एक नया हाउस खरीदा जाता है सेल्फ कंजम्पशन के लिए तो वो हाउसिंग स्टॉक को बढ़ा देता है, इस वजह से उसको सेविंग माना जाता है, यानी कि वो एक इन्वेस्टमेंट का पार्ट है, इसलिए ऑप्शन ए जो है ये इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट कहा जाएगा। लेकिन जब एक नया शेयर खरीदा जाता है तो ये सिर्फ एक फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होती है और इसमें कोई भी कैपिटल गुड का क्रिएशन नहीं होता, इसलिए बाइंग ऑफ न्यू शेयर ये इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट नहीं होगा। बाइंग ए न्यू कार बाय ए पब्लिशिंग हाउस फॉर डिलीवरिंग बुक्स, तो ये इन्वेस्टमेंट होगा क्योंकि यहाँ पर एक कैपिटल गुड को खरीदा गया है जो कि उस बिजनेस के प्रोडक्शन को बढ़ाएगा, तो इसीलिए ये इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट की कैटेगरी में आएगा। और जब एक नई कार हाउस होल्ड के द्वारा खरीदी जाती है तो ये ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड होता है, तो ये कैपिटल गुड नहीं होता, इसलिए ये भी इन्वेस्टमेंट नहीं होगा। तो जो सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का वो होगा ऑप्शन डी, ए एंड सी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच टाइप ऑफ रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिटवीन टू वेरिएबल्स इफ ऑल पॉइंट्स ऑन द स्कैटर डायग्राम अपेयर टू फॉलो ऑन ए स्ट्रेट लाइन गोइंग अपवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट? तो अगर दो वेरिएबल्स का हमने स्कैटरग्राम प्लॉट किया है और ये इस तरीके से है कि जो वैल्यूज हैं इनकी वो एक स्ट्रेट लाइन में फॉल कर रही है, तो ये होता है परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन के केस में, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द शेयर ऑफ सर्विस सेक्टर इन ग्रोस वैल्यू एडेड ऑफ इंडिया एट करंट प्राइस ड्यूरिंग 2018-19 इज, तो इसका सही आंसर है 53-55%। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर हमें मैचिंग करनी है जहाँ पर सैम्पल मीन, सैम्पल वेरियंस, डिफरेंस ऑफ टू मीन, डिफरेंस ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन को हमें मैच करना है। तो सैम्पल मीन जो होता है इसको कैलकुलेट किया जाता है सिग्मा स्क्वायर अपॉन अंडर रूट एन से, तो इसका सही आंसर होगा 3। और सैम्पल वेरिएंस ये होगा सिग्मा स्क्वायर अंडर रूट 2/n। डिफरेंस ऑफ टू मीन्स तो इसको कैलकुलेट किया जा सकता है सेकंड ऑप्शन के थ्रू, और डिफरेंस ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन इसको कैलकुलेट किया जा सकता है फर्स्ट ऑप्शन के थ्रू। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिस्पॉन्सिज इज ट्रू एज अ सॉल्यूशन फॉर साइमल्टेनियस इक्वेशन बायस? ओएलएस मेथड फेल कर जाता है साइमल्टेनियस इक्वेशन मॉडल में, प्रिंसिपल कंपोनेंट मेथड का भी हम इस्तेमाल नहीं करते, टू स्टेज लीस्ट स्क्वायर मेथड का इस्तेमाल करते हैं, फुल इंफॉर्मेशन मैक्सिमम लाइकलीहुड मेथड का भी इस्तेमाल किया जाता है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, सी एंड डी आर ट्रू। अब हम आने वाली वीडियोज में बाकी क्वेश्चन देखेंगे। थैंक यू।